के चंडाल लोग ही चाणक्य हैं। अगर आप बुद्ध भाषा यानी कि पाली भाषा, मगध भाषा या कौसली भाषा जिसको पाली बोलते हैं, कौसली थी पहले, फिर मगधी हुई, फिर पाली बनी, अब हिंदी है, इस भाषा को अच्छी तरह जानते हैं तो बंगाल के चंडाल लोग ही चाणक्य हैं। ये बात बिल्कुल 200% सही है। चंडाल का जो अर्थ होता है पाली के अंदर वो होता है चंद्र प्लस मंडल, यानी चंद्र प्लस मंडल। चंद जो बोलते हैं, चंद बोलते हैं चांद को, और मंडल बोलते हैं आभा को पाली के अंदर। जो आपने देखा होगा कि जब फुल मून होता है तो चंद्रमा के ऊपर एक गोल घेरा बनता है, तभी आप शरद पूर्णिमा पर जाके देखेंगे तो चंद्रमा के चारों तरफ एक बहुत बड़ा ऑरा बनता है, घेरा बनता है सफेद रंग का बिल्कुल, उसको बोलते हैं आभा बोलते हैं उसको। भा माने होता है चमकीला पाली में, और आभा माने जो पूरी तरह से आया हुआ हो, उस चंद और जो चंद्रमा के चारों तरफ होता है उसको चंद्रमंडल बोलते हैं। तो चंद और मंडल, यानी चंद्र और मंडल, तो उससे बना है चंद मंडल यानी चंडाल। चंडाल वो लोग हैं जो पूर्णमासी को पूरी आभा रखते हैं। मगर मनुष्य कैसे आभा रखता है नीचे? मनुष्य आभा रखता है ऐसे कि अगर वो विपसना करे, साधना करे और धम्म की बात पे चले और धम्म को माने, तो उसके चेहरे पे, उसके चारों तरफ भी एक ऑरा आ जाता है, जो ऑरा बिल्कुल चंद्रमा की तरह, आभा की तरह होता है। भगवान बुद्ध के दुनिया में ऐसा मानते हैं कि उनके मुखमंडल के चारों तरफ एक ओरा, एक चमक रहती थी हमेशा, क्योंकि वो सच्चाई की, वो ईमानदारी की और वो मेहनत की, और वो उनके शुद्ध होने की चमक थी। उस ओरा का आज तक जवाब नहीं है जो चारों तरफ घेरा उनका आता है, इसलिए फोटो में वो ओरा बनाया जाता है, वो आभा मंडल, वो चंद मंडल बनाया जाता है। वो ओरा वाले लोग और वंशज ही सारे के सारे चंडाल हैं। और जो महिलाएँ हैं उनको चंडी बोलते हैं, क्योंकि बौद्ध परंपरा के अंदर ही, बुद्ध परंपरा के अंदर ही महिलाओं को विपसना करके शुद्ध होने की अनुमति थी, जो भगवान बुद्ध ने, भंगी बुद्ध ने, जो भगवान बुद्ध ने उस समय दी, और बहुत सारी महिलाएं उस समय अपने चंद्रमंडल से लाभ प्राप्त किया और बहुत ज़्यादा उनके ओरा उनका रहा, इसलिए उनको चंडी बोलते हैं। यानी जो मनुष्य है, जो आदमी है उसको चंडाल, और जो औरत है उसको चंडी बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा अवंती के राजा थे, अवंती उज्जैन के आसपास का एरिया है, वहाँ के राजा थे चंड पजोत, यानी चंड पजोत का मतलब हो गया जो चंद्र की तरह प्रज्वलित होते हैं, चंद्रमा की तरह प्रज्वलित होते हैं, चंद्रमा की तरह बिल्कुल रहते हैं। जबकि यहाँ चंड का मतलब बाद में आते आते बना दिया कि भयंकर, भयंकर नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है चंद्र की तरह, चंद्रमा की तरह। वही आपने देखा होगा जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो शहर है, चंडीगढ़ शहर में गढ़ जो गह को बोलते हैं, गह जितने भी हैं वो बाद में गढ़ बने, तो चंडीगढ़ जो है वो उस महिला के नाम पर है जिसके ओरा यानी जिसके आभा बहुत ज़्यादा रही, चंद्रमा जैसी आभा रही, और जो बहुत ज़्यादा उस समय भिक्षुणी रही होगी, या हिंदी भाषा में कहें तो साध्वी रही होगी उस समय, और बहुत ज़्यादा उसने धम्म को सीखा होगा, और धम्म में हो सकता है कि वो अर्थ हो गई हो, इसलिए उस शहर का नाम चंडीगढ़ पड़ा। आपने चंड सुना होगा, चंड का मतलब भी होता है चंद्र होता है, या चंड का मतलब आज की भाषा में चंट भी बोलते हैं, जो तेज तर्रार लोग होते हैं उनको चंड बोलते हैं। इसी प्रकार चांडाल कुल होता है, यानी कि ऐसा पूरा परिवार जिसमें अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हों और अर्थ हों, या सकदागामी हों या अनागामी हों, जो भी हों, मतलब उन्होंने कोई ना कोई धम्म में ऐसा स्थान प्राप्त किया है उस कुल में, उस पूरे कुल का नाम ही चंडाल कुल पड़ गया। और चंडाल कुल इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी आभा बहुत ज़्यादा हो गई। उसको नीच कुल भी बोला गया बाद में। नीच कुल का मतलब है, नीच का मतलब होता है नित्य कुल, यानी कि जो नित्य को प्राप्त हो गए। पाली में नीच का मतलब होता है नित्य, नित्य कुल। तो इस तरह से अर्थ हुए लोग चंडाल लोग होते हैं। एक शब्द होता है चंडिक, चंडिक का मतलब होता है चंडता, चंडिक्य या चाणक्य, बाद में इसको चाणक बोला गया। इसका मतलब है जिसमें ये भाव हो, जिसके अंदर चंद्रमा जैसी शांति का भाव हो, उतने ज़्यादा ओरा हो, उतना ज़्यादा ज्ञान हो, उसको चंडिक बोलते हैं। इस चंडिक को बाद में चाणक या चाणक्य बोला गया, और ये एक नॉलेज की डिग्री होती है, यानी जिसमें चंद्रमा की आभा जैसा गुण है वो उसकी डिग्री हो गई, उस डिग्री के कारण ही
चाणक्य पढ़ा और चाणक्य के बहुत होते हैं, चाणक्य एक नहीं होता, जो उस आभा को प्राप्त कर लेता है, ये एक डिग्री है, वो चाणक्य हो जाता है। इसलिए जो चाणक्य लोग हैं, जो चंडाल लोग हैं, वही चाणक्य हैं, ये बात 200% ठीक है। धन्यवाद।